मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं सहित छोटे बच्चे भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए नजर आए। सबसे अनोखी बात यह रही कि सरकार को चेताने के लिए किए जा रहे चौपाल में प्याज, तुरई, नींबू आदि सब्जियों का हार बनाकर प्रदर्शन किया गया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा द्वारा भारत सरकार को मुरादाबाद के जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। महंगाई अंतिम सीमा पार कर रही है, रुपए की वैल्यूएशन रोज खत्म हो रही है, फैक्ट्रियों से मजदूर को रोज निकाला जा रहा है, हजारों फैक्ट्रियां देश के अंदर जो बंद कर दी गई। इस हालात को देखते हुए एक चौपाल डालकर देश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो एक ही गांव के बच्चे मैंने बुलाए हैं। अभी जब मैं इस गांव निकला था तो पता ही चला कि 70% जो मजदूर है उसको रोज जाता है, रोज लौट कर जाता है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसको जो काम करने का जीवन है उसको काम कर नहीं मिल पा रहा। उसी गांव के अंदर जब मैं गुजरा तो पता चला कि साहब स्मैक इतनी गाँवों के अंदर बच रही है कि रिकॉर्ड तोड़ है, घर घर के अंदर स्मैक आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। तो इस कड़ी के अंदर आपके प्रेस के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर महोदय जो आज की तारीख में झूठ बोल रहे हैं, मंडी समिति के रेट और मंडी के जो रेट है जरा उसके मानक अगर आप देख लिए तो 50 से लेकर 80 गुना अंतर है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने अधिकारी हैं जहाँ उनको माल मिल रहा है वहां तो जा रहे हैं, और जहां देश के सिद्धांतों को कायम करना और संविधान को कायम करना वहां नहीं जा रहा है। तो आज मिसाल के तौर पे हंडिया का अगर मिसाल के तौर पे एक प्याज एक हरी मिर्च तोड़ी है गरीब आदमी ने और तोड़ने के बाद पानी से रोटी लगाई और उसने जीवन गुजार लिया, तो आज उसकी प्याज और हरी मिर्च जो है सरकार ने छीन ली। और सरकार अब ये कह रही है साहब हम प्याज मांगे पर तो मांगे कहां से, मैं ये तो बता दूं ये प्याज आज 60 रुपए 70 रुपए बिक रही है, इसका बेचने वाला कौन है, इस पर कितने लोगों पर आपने राशि को लगाई है भाई, कितने लोग जो देश को लूट रहा है, देश की जनता को लूट रहा है और देश की तमाम जेबें खाली करनी, उनके लिए राशि का पुरसीदा रहा क्यों नहीं लगा पाए आज की तारीख में। अब ये कहना कि सरकार का साहब प्याज मांगे तो प्याज कहाँ से आएगी भाई, कब तक आएगी, प्याज तो ऑलरेडी मौजूद है, सड़ रही है गोदामों के अंदर, जो गोदामों के अंदर प्याज सड़ रही है उस पर आज की तारीख में सरकार जवाब दे पहले, जब मंडी समिति पे और यहाँ जो जनता के बीच का जो मानक है ये दूरी कैसे बढ़ी और इसमें जो 60 से लेकर 50% मार्जिन वो कौन लोग है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया कि 6% लोगों को मालदार करना हम और 94% लोगों को भिखारी बनना, उनकी नस्लों को नपैद करना, यहाँ तमाम अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आज स्कूलों में चले जाइए इसमें बेक बना है, आज की तारीख में मलिन बस्ती में चले जाइए इसमें बेक बना है, जब इसमें तो उसकी नस्ल ही नपैद कर दोगे तो एक काम करे मोदी जी और योगी जी एक एड भी बम मार गए गरीबों को खत्म कर दे। हाँ जी, एक बात स्मैक के सामने आ रही है अपने द्वारा, स्मैक जगह जगह बिक रही है, क्या अधिकारी इससे वाकिफ नहीं है? सब वाकिफ, सब महीना ले रहा है, जो यहाँ उनकी जो पर्सनल बॉडी है जो जो कोई सुरमा यानी के सिर्फ नेता को टॉर्चर करने के लिए बनाई गई है वो बाकायदे महीना लेकर आ रहा है। ये सब मालूम है किस गली के अंदर कौन स्मैक कितना भेजने वाला है, ये मालूम है किसके घर में पका गया। तो इस पर सरकार द्वारा कोई अंकुश या प्रशासन द्वारा कोई अंकुश लगाने का कोई काम नहीं किया गया? मैंने कहा आपके माध्यम से देश को देना चाहता हूँ, देश को मैसेज देना चाहता हूँ, आज की तारीख में कोई काम नहीं, तो एक डंडा लेकर शाम को पकड़ बैठ जाना और एक कुर्सी डाली और 4 लड़के पकड़ लिए और 4 सिविलियन पकड़ लिए, इधर गाड़ी पकड़ते हैं उधर दलाल पैसे तय करता, दूसरा इन्हें कोई काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से सीधी सरकार को आगे खोलनी चाहिए और सरकार आपातकाल लगाने के बाद में देश को नहीं चला पाएगी। ये देश जो है तमाम विचारधारा का देश है और ये ऐसा देश है जो दुनिया का गुलदस्ते का देश है, क्योंकि देश का यहाँ का ताल्लुक किसान का और मजदूर का, जय किसान जय जवान का मामला, जय जय इसके अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। जो शिष्टाचार और भ्रष्टाचार की बात करते थे योगी जी और मोदी जी, इनके उनका शिष्टाचार और भ्रष्टाचार कितना देश के सामने आ रहा। ये धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये तो सिर्फ 1 बजे तक का है, नोटिस है चौपाल है और चौपाल डालने के बाद जनमानस के अंदर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाएंगे और बताएंगे। आज मैसेज देना चाहते हैं कि देश के अंदर जो सरकार कर रही है सिर्फ वो सिर्फ डूम जुमलेबाजी बोलना है, यानी कि देश के लोग भूखे मर रहे हैं और रूस में जाकर 100 करोड़ रुपए देकर जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं पहले देश की नीयत कह दे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहां से पढ़ेगी जब उसके बाप के पास रोजगार ही नहीं है।